भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के सैकड़ों कमांडरों ने मणिपुर में आदिवासियों पर हो रही अमानवीय घटनाओं को लेकर एक आक्रोश प्रदर्शन रैली का आयोजन लखनऊ के आशियाना में किया, जो लक्ष्य के जिला कार्यालय से चलकर आशियाना पुलिस चौकी से बंगला बाजार होते हुए जिला कार्यालय पर समाप्त हुई, जिसका नेतृत्व लक्ष्य की महिला कमांडरों ने किया। लक्ष्य कमांडरों ने जलती हुई मोमबत्ती के साथ मणिपुर के शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारे लगाकर अपना रोष व्यक्त किया। कमांडरों ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनकी सरेआम हत्या की जा रही है, उनकी बहन बेटियों को नग्न करके सरेआम घुमाया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। यह कत्लेआम का तांडव पिछले लगभग 80 दिनों से चल रहा है। इस घटना को मानवता तार तार कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि देश में संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को वोट का खेल बंद कर देना चाहिए और देश के सभी नागरिकों की जान माल की हिफाजत ईमानदारी से करनी चाहिए, अर्थात संविधान को ईमानदारी से लागू करना चाहिए तथा जाति व धर्म से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अपनी मानसिकता बदले और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और पीड़ितों को उचित मुआवजा दे और उनकी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संगठन द्वारा मणिपुर के जो हिंसा हुई है उस पर आज रोष प्रकट किया गया, क्या कहना चाहेंगी, पूरा कार्यक्रम क्या है उसके बारे में बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर में इतनी ही बहुत ही हृदयविदारक घटना घटित हुई है हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ में, तो उसके विरोध में हमारे भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ने यह निर्णय लिया है कि हम उसके विरोध में एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करेंगे, जो हमारे कार्यालय सेक्टर एल से आशियाना चौकी होते हुए, बंगला बाजार चौकी होते हुए, पुलिस चौकी हुए वापस यहाँ पे समाप्त होगा। और ये कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक हम उन सरकारों को आगाह करना चाहते हैं जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, इतनी अमानवीय हरकत हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही है। वहाँ की सरकार, वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। हर जगह ऐसी ही घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमारे मन को बहुत व्यथित कर रही हूँ। केवल एक मणिपुर की बेटी केवल नंगी नहीं करी है, इस पूरे भारत देश की बेटियों को नंगा किया गया है। इसलिए हमारा संगठन, क्योंकि हमारे संगठन में नेतृत्व तो महिलाओं के हाथ में है, इसलिए हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग इस घटना के विरोध में एक कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन करेंगे, ताकि लोगों तक इस आक्रोश को पहुंचे, लोग संगठित हो और अपने हक और अधिकार की बात कर सके। के खिलाफ आज आपके संगठन ने ये जो कैंडल मार्च निकाला, उसके लिए क्या कहेंगे और सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, सरकार से मांगे ये किसी के मतलब ये तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है, इतनी बड़ी घटना हो गई है और ये 4 मई की घटना है और अभी तक कोई नहीं, अभी 2 महीने बिल्कुल सरकार एकदम चुप्पी साधे बैठी रही है और इस केस को बिल्कुल बाहर ओपन करने नहीं दिया है। और जब किसी तरह से ओपन हुआ है तो आज भी सरकार चुप्पी बैठी है। बताइए, हमारी उस बहन बेटियों को उसके उनके सामूहिक बलात्कार हुआ, अब उनके नग्न करके उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया, उनके स्तनों को पहुंचा गया। बताइए, इस तरह की घटनाएं हो रही है। बताइए, एक बेटी को नंगा नहीं किया, 2 बेटी को नंगा नहीं किया, पूरे भारत की बेटी को नंगा किया है और पूरी भारत की बेटियों का खून खोल रहा है, ये सोच लीजिए। और अभी तक वहाँ की सरकार बरकरार बनी है, इसका क्या रवैया क्या है? आप क्या केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? तुरंत वहाँ की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि उन जो परिंदों ने जो बुलंदगी की है, उनको हम बहनों के हवाले कर देना चाहिए। हम उनके मांस को जिस तरह से हमारे बहनों को छुआ है, हम भी चाहते हैं, हम भी उस तरह से उनके बदन को नोच नोच के हम सारी बहनों को दिखाएं। ये सोच लीजिए, इतना दर्द है मेरे अंदर और मेरी सारी बहनों का दर्द, हमारे जो भारतीय चैनल देशपद्म न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।